कार्टून टीवी। चुड़ैल एरोप्लेन में। एक बार अचानक एक चुड़ैल उड़ती हुई एक प्लेन से टकरा जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और बहुत गुस्से से उठकर उस प्लेन के पीछे पीछे भागने लगती है। ये क्या चीज है जिसने मुझ चुड़ैल पर हमला करने की कोशिश की, अभी देखती हूँ इसे। और प्लेन के पीछे भागती हुई उसके ऊपर बैठ जाती है। अचानक प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जोर जोर से हिलने लगता है। प्लेन के अंदर बैठे सभी यात्री डर जाते हैं। एक महिला जो कि थोड़ी बीमार होती है, उसके पास ही उसका पति बैठा होता है, उससे कहती है, सुनो जी, ये क्या हो रहा है? तुम जाकर थोड़ा पता करो प्लेन के कर्मचारियों से कि ये सब क्यों हो रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ठीक है, अभी पता करता हूँ। मैडम, क्या प्लेन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? आप लोग कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? कब से हम यूं ही हवा में लटके हैं? 2 घंटे की यात्रा में आप लोगों ने 5 घंटे लगा दिए। मेरी पत्नी बीमार है, जरा उसका तो ख्याल कीजिए। आप डरे नहीं, हम देख कर आते हैं। और वो चली जाती है। प्लेन और जोर से हिलने लगता है। कितना मजा आ रहा है, बिना कुछ किए ही मैं हवा में उड़ रही हूँ, ये तो बड़ा मजेदार है। पर वह अचानक प्लेन से नीचे गिर जाती है और उसका हाथ भी टूट जाता है। वह फिर से अपने टूटे हुए हाथ को लेकर प्लेन की तरफ उड़ने लगती है और प्लेन के अंदर घुस जाती है। उस चुड़ैल को देखकर सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चुड़ैल चुड़ैल, हे भगवान, ये प्लेन के अंदर चुड़ैल कहां से आ गई, अब क्या करें? चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अब मैं तुम लोगों से अपना बदला लूंगी। ये देखो तुम लोगों ने क्या किया, देखो मेरा एक हाथ तोड़ दिया, अब मैं तुम सबके हाथ पैर काट कर अपना बदला लूंगी। उसी प्लेन में एक बाबा भी यात्रा कर रहे होते हैं। जैसे ही चुड़ैल उस बाबा के पास आती है, उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाती है और फिर अचानक से वह गायब हो जाती है। इस बीच प्लेन भी जमीन पर उतर आता है और लोग डरते हुए प्लेन से बाहर आते हैं। हे भगवान, आज तो मरते मरते बचे, भला हो उस बाबा का। तभी प्लेन से वो बीमार औरत और उसका पति निकलते हैं। वह औरत जो बीमार थी अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। पति उसे देखकर हैरान था कि वो ठीक कैसे हो गई, और जैसे ही उसकी नजर बाबा पर पड़ती है, वो बाबा की तरफ भागने लगती है और उन पर हमला करने की कोशिश करती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? बाबा समझ जाते हैं कि वो चुड़ैल उस औरत के शरीर में घुस गई है और फिर उसका पति उसे हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। बाबा उससे कहते हैं, ये ले बेटा, मेरा पता, तुझे कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है बाबा जी, मुझे माफ करना, मेरी पत्नी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया। कोई बात नहीं, तू जा और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। और सब वहां से चले जाते हैं। कार में बैठकर वह आदमी सोचता चला जा रहा था कि मेरी पत्नी को क्या हो गया था, ये इतनी बीमार थी और अचानक ठीक कैसे हो गई, और इसने उस बाबा पर हमला क्यों किया था। और फिर वो अपनी पत्नी की ओर देखता है जो अभी सो रही थी। कुछ देर बाद वे घर पहुंच जाते हैं। उसकी पत्नी कार से उतरकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है। उसका पति भी थकान की वजह से जल्दी ही सो जाता है। सुबह हो जाती है, वह देखता है उसकी पत्नी हेमा घर पर नहीं थी। वह हर जगह उसे देखता है पर कहीं नहीं दिखती। फिर एक आदमी भागकर उसके पास आता है और कहता है, सोहन भाई, आपकी पत्नी उस पुराने कुएं के पास पड़ी है, चलो जल्दी से। और दोनों भागकर उस जगह जाते हैं। जैसे ही सोहन अपनी पत्नी के पास जाता है,
उसकी पत्नी तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तेरी पत्नी नहीं चुड़ैल हूं। और कभी चुड़ैल और कभी उसकी पत्नी के जैसी दिखती है। ये सब देखकर सोहन डर जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरी पत्नी को क्या हो गया है। तभी उसे याद आता है उस बाबा के बारे में। वो भागकर घर जाता है। और उस बाबा का पता लेकर उसे ढूंढने लगता है। वो बाबा पास के ही एक मंदिर में रहते थे। सोहन वहां जाता है। बाबा जल्दी चलो, मेरी पत्नी की हालत ठीक नहीं, उसे ना जाने क्या हो गया है। मैं जानता हूं बेटा कि तू मेरे पास आएगा, क्योंकि तेरी पत्नी में उस चुड़ैल की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। मैं उसका ही समाधान निकाल रहा था। बाबा तो क्या कोई उपाय निकला। हाँ बेटा, हमको फिर से उसी एरोप्लेन में यात्रा करनी होगी, क्योंकि ये चुड़ैल धरती पर किसी को कुछ नहीं कहती थी। ये सिर्फ आसमान में ही उड़ती थी, लेकिन जिस हवाई जहाज में हम यात्रा कर रहे थे उसी से टकरा कर ये घायल हुई, और फिर तुम्हारी पत्नी के शरीर में प्रवेश करके यहां पर आ गई। इसलिए हमें फिर से उसी प्लेन में जाना होगा और इसको आसमान में ही छोड़ना होगा, जिससे ये फिर से अपनी उसी दुनिया में रहे। जैसा बाबा ने कहा था सोहन ने वैसा ही किया, और एक दिन सोहन अपनी पत्नी और बाबा के साथ उसी हवाई जहाज से फिर से सफर करने के लिए जाते हैं। वे तीनों प्लेन में बैठे हुए थे और प्लेन आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। एरोप्लेन के अंदर सोहन की पत्नी को कुछ होने लगता है। मुझे जाना है अपनी दुनिया में, मुझे यहां से जाने दो। तभी साधु बाबा जो पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे उठकर आगे आते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे सोहन की पत्नी वही कुर्सी पर गिर जाती है और एक भयानक एक हाथ वाली चुड़ैल उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। उसको देखकर सारे यात्री डर जाते हैं। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो वरना सबको मार डालूंगी। और वह चुड़ैल यात्रियों को उठाकर इधर से उधर गिराने लगती है। रुक जा चुड़ैल, मैं तुझे अभी यहां से बाहर निकालने का इंतजाम करता हूं, तू इन यात्रियों के साथ ऐसा मत कर। बाबा प्लेन की एयर होस्टेस के साथ बात करते हैं। हमको इस चुड़ैल को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ करना होगा। क्या प्लेन में कोई ऐसी जगह है जहाँ से प्लेन में हवा आ सकती है। तभी प्लेन का पायलट भी वहाँ आ जाता है। वह बाबा को बताता है, बाबा प्लेन में एक छोटा सा छेद होता है जिसे ब्लीड होल के रूप में जाना जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य हवा के दबाव को संतुलित करना है। ठीक है, ये चुड़ैल प्लेन के अंदर भी वहीं से आई होगी। फिर बाबा वापस उस चुड़ैल के पास जाते हैं। चल तू अब तैयार हो जा, तुझे वापस तेरी दुनिया में भेज रहा हूँ। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, जल्दी भेजो मुझे यहाँ से। बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं और उस चुड़ैल को फिर से बोलते हैं। जा चुड़ैल, मैंने तेरे को यहाँ से मुक्त कर दिया, अब तू जा सकती है यहाँ से। चुड़ैल उड़ती हुई जाती है लेकिन विंडो से टकरा कर वापस आ जाती है। ये तो बंद है, कैसे जाऊँ मैं। याद कर तू कहां से इस प्लेन के अंदर आई थी, तुझे वहीं से बाहर भी जाना होगा। हाँ मुझे याद आ गया। फिर चुड़ैल मिडिल पैन में जाती है और उस ब्लीड होल से प्लेन के बाहर चली जाती है। सभी यात्री राहत की सांस लेते हैं। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और हमारी आज की कहानी का सवाल है, सोहन की पत्नी का क्या नाम था? सही जवाब देने वाले 5 लकी विनर्स का नाम हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में बताएंगे।